नमस्कार दोस्तों, आज हम पाटीदार यानी कि पटेल के इतिहास के बारे में बात करेंगे। आप जानते ही होंगे कि पाटीदार यानी कि पटेल आज पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इंडिया की ही अगर हम बात करें तो पूरे इंडिया में सभी जगह पाटीदार है, लेकिन ज्यादातर पाटीदार गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में रहते हैं। सिर्फ ब्रिटेन में ही लगभग 2 लाख से अधिक पाटीदार हैं, जो कि वहां पटेल नाम से जाने जाते हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका में हर 8 भारतीय पर एक नागरिक पटेल है। इंडिया के लगभग 20% बिजनेसमैन पाटीदार है, और उन 20% बिजनेसमैन में से 70% बिजनेसमैन गुजरात से है, जो पटेल नाम से ही जाने जाते हैं। भारत में भी पाटीदार को अलग अलग उपनाम से जाना जाता है। पाटीदार समाज की जनसंख्या पूरे भारत में लगभग 30 करोड़ के आसपास है। आप जानते ही होंगे, भारत के सबसे पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल भी पाटीदार समाज से ही थे। यह थे पाटीदार के बारे में कुछ फैक्ट। अब मैं आपको पाटीदार का इतिहास बताने जा रही हूँ कि पाटीदार की उत्पत्ति कहाँ से हुई, किस तरह पूरी दुनिया में पाटीदार ने अपना नाम फैलाया। पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो देखने के बाद आप भी इन पे गर्व करेंगे। वैसे तो पाटीदार के इतिहास के बारे में कई पौराणिक कहानियां हैं, लेकिन कहा जाता है कि पाटीदार आर्य समूह के वंशज है, जो कि सिंधु घाटी में बसे हुए थे, जो आज भी पंजाब और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। फिर आर्य समूह काम के हिसाब से 4 भागों में विभाजित हो गए। पहला ब्राह्मण, जिनको शिक्षा और धार्मिक सेवाएं दी गई। दूसरा क्षत्रिय, जिन्होंने युद्ध में भाग लिया और शासन किया। तीसरा वैश्य, जिनको व्यापार का काम दिया गया। और चौथा क्षुद्र, जिन्होंने तीनों समाज की सेवाएं की। इसके बाद क्षत्रिय को फिर से 3 वर्गों में विभाजित किया गया। पहला राजन क्षत्रिय, जो राजा और नेता बने। दूसरा क्षत्रिय योद्धा, जो युद्ध लड़े। तीसरा कुर्मी क्षत्रिय, जिन्होंने युद्ध काल में खेती और युद्ध के समय सेना की मदद की, जो बाद में सिर्फ कुर्मी के नाम से जाने जाने लगे। फिर कुर्मी समाज भोजन के लिए खेती करने लगे और गायों को पालने लगे। आज जो भी पाटीदार है, वह सभी पाटीदार उन्हीं कुर्मी के वंशज हैं। आगे चलकर ईरान, इराक जैसे विदेशी देशों ने पंजाब क्षेत्र में बसे लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया और घरों, खेतों और मंदिरों को लूटना शुरू कर दिया। इन हमलों को देखकर कुर्मी और अन्य लोग पंजाब छोड़ने पर मजबूर हो गए और भारत के अलग अलग हिस्सों में जाकर बस गए। कुर्मी का एक बड़ा समूह गुजरात के ऊंझा के पास चला गया। आप जानते ही होंगे, पाटीदार समाज को 2 समूहों में बांटा गया है, एक लेवा पाटीदार और एक कड़वा पाटीदार। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि पाटीदार समाज भगवान श्री राम के वंशज है और भगवान श्री राम के पुत्र लव और कुश के नाम पर ही पाटीदार समाज के 2 समूह का बंटवारा हुआ, लव से लेवा पाटीदार और कुश से कड़वा पाटीदार। 18वीं शताब्दी खत्म होते होते कड़वा पाटीदार के पूर्वजों ने जाना कि शिक्षा से ही समाज की उन्नति हो सकती है, तो उन्होंने फंडिंग स्टार्ट की। उस पैसे को वो समाज में शिक्षा के लिए लगाने लगे, जिसने एजुकेशन को रिवॉल्यूशन में मोड़ दिया, जिसने आने वाली पीढ़ी को कई उद्योगपति, व्यापारी, डॉक्टर, इंजीनियर, लेखक, वैज्ञानिक, प्रोफेसर, सैनिक और कई राजनीतिक बनाने में मदद की। आज की पाटीदार पीढ़ी 130 साल पहले स्टार्ट की गई एजुकेशन रिजोल्यूशन का ही रिजल्ट है। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में कड़वा पाटीदार समाज ने कई सम्मेलन बनाए और सभी को जागरूक किया और पुराने रीति रिवाजों को बदलने के लिए प्रेरित किया, जैसे कि बाल विवाह, अंतिम संस्कार समारोह, दहेज और मृत्यु भोज। इस तरह की सोच ने काफी पाटीदारों को प्रेरित किया। आज हमारा इतिहास बहुत समृद्ध है और प्रेरणादायक है। हमारे पूर्वजों ने हमें वर्तमान स्थिति में लाने के लिए कई स्ट्रगल किए हैं। पाटीदारों के इतिहास में ऐसा कुछ भी नहीं है जिन पर हमें शर्मिंदा होना पड़े। सो इट इज प्राउड टू बी अ पाटीदार। जय सरदार, जय पाटीदार, जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, अगर आप पाटीदार हो और आपको पाटीदार का इतिहास अच्छा लगा हो, तो प्लीज उसे दोस्तों में शेयर करिएगा।
हमारे पेज को फॉलो करिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।